आइए देखते हैं, हमने एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को पढ़ाया। एलसीएम एचसीएफ में मैंने आप लोगों को टोटल जो है चार मेथड सिखाया। कितने मेथड सिखाया भाई? चार। इसमें से तीन तो क्लियर हो गए, चौथा आप लोगों को ट्रिक सीखना है। तो तैयार है आप लोग ट्रिक सीखने के लिए? यस सर। यदि आप ट्रिक सीख लिए अच्छे से तो किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 10 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं, इन दो संख्याओं में से आप पता लगाना है कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो कोशिश कीजिए सबसे बड़ी संख्या को चेक करें, सबसे बड़ी संख्या ही होनी चाहिए यदि वो इसके टेबल में आता है। तो आ रहा है 12 के टेबल में आ रहा है। yes, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया भैया? क्लियर? yes, लेकिन क्या हो, जब आपको क्या हो ऐसा दिया गया हो जब उसके टेबल में ना आ रहा हो, यहाँ पे टेबल में आ रहा है, तो तभी ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा? लेकिन क्या हो जब टेबल में ना आए तब, तो देखिए ये क्या है आप लोग का 12 है, और इसको क्या ये 18 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणे, समझ में आया? अब देखो 6 से डिवाइड करने पे कैंसिल हो रहा है, कट रहा है, या 6 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। तो बची हुई जो संख्या है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आप लोग का। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न एक आप लोग बना के दिखाइए, इसका आंसर क्या होगा बताइए बाबू। ये कैसे करेंगे भैया, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। देखो ये इसका एलसीएम हो सकता है। अब ये 5 को क्या करेंगे, इसमें कितना हो गया? क्लियर? यहाँ पे देखिए ये क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। इन दोनों का एलसीएम 8 ही है, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 94। क्लियर? समझ में आया?